नवरात्रि का आखिरी दिन नवमी। इस दिन का महत्व दो कारणों से होता है। आज के दिन मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की उपासना होती है और मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्म की खुशी में रामनवमी मनाई जाती है। इसलिए आज मैं धर्म आपको मां सिद्धिदात्री की महिमा के साथ रामनवमी का महत्व भी समझाऊंगा। देखिए, देवों के देव महादेव को सिद्धियां दिलाने वाली देवी, भगवान शिव शंकर को अर्धनारीश्वर बनाने वाली देवी, नौ दुर्गा का आखिरी स्वरूप माँ सिद्धिदात्री, माँ शक्ति का सिद्ध स्वरूप माँ सिद्धिदात्री। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी है माँ सिद्धिदात्री। नवमी को होती है माँ सिद्धिदात्री की उपासना। आज के दिन देवी कृपा से पूरे संसार पर विजय पाने की शक्ति मिल सकती है। मान्यता ये भी है कि इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा से साधना करने वाले व्यक्ति को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए जानते हैं क्या है देवी के नौवें स्वरूप की महिमा। माँ दुर्गा का नौवां स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री की पूजा उपासना करने से हर तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इनकी उपासना से व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। नवमी के दिन केवल इन्हीं की पूजा कर लें तो सभी देवियों की पूजा का फल मिल सकता है। इस दिन कमल के फूल पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए। इस दिन कई तरह के सुगंधित फूल अर्पित करने से प्रसन्न होती हैं माँ सिद्धिदात्री। आज देवी को शहद अर्पित करें और ओम सिद्धिदात्री दिव्य नमः का जाप करें। ज्योतिर्विदों की माने तो नवरात्रि की नौवीं तिथि को हवन करने से देवी के सभी स्वरूपों को एक साथ प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन इस दिन हवन के कुछ विशेष नियम भी हैं। आइए जानते हैं। आज के दिन नवरात्रि की पूर्णता के लिए हवन भी किया जाता है। नवमी के दिन पहले पूजा करें फिर हवन करें। हवन सामग्री में जौ और काला तिल मिलाएं। इसके बाद कन्या पूजन करें और संपूर्ण भोजन का दान करें। माँ शक्ति की महिमा अपरंपार है। नवरात्रि के अंतिम दिन अलग अलग वस्तुओं से हवन करके अलग अलग तरह की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। तो आइए जानते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की उपासना के दिन कौन सा हवन करने से दूर होगी आपकी परेशानी। आज माँ सिद्धिदात्री के साथ श्री रामचंद्र की कृपा भी बरसेगी। इसलिए आज मैं धर्म आपको बताऊंगा कि रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम की उपासना की उत्तम विधि क्या है। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल। मेष, अपने खान पान का ख्याल रखें, वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, शुभ रंग सफेद, भाग्य 45%। वृष, आपको वाहन का सुख मिलेगा, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, परिवार में प्रसन्नता आएगी, शुभ रंग नीला, भाग्य 78%।
मिथुन विवाह तय होने का योग बन रहा है, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, प्रिय मित्र से मुलाकात हो सकती है। शुभ रंग धानी, भाग्य 65%। कर्क, आपको मान सम्मान मिलेगा। फिलहाल धन का निवेश कहीं पर ना करें, यात्रा करने से बचें। शुभ रंग धानी, भाग्य 69%। सिंह, संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, रोजगार में आपको मनचाही सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग हरा, भाग्य 50%। कन्या, वाणी पर नियंत्रण रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए, दौड़ भाग कम करें। शुभ रंग फिरोजी, भाग्य 81%। तुला, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ होगा। शुभ रंग नीला, भाग्य 70%। वृश्चिक, विदेश यात्रा का योग बन रहा है, रुका हुआ धन मिलेगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग भूरा, भाग्य 74%। धनु, रुका हुआ काम पूरा होगा, कर्ज का लेन देन ना करें, अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग हरा, भाग्य 49%। मकर, वाद विवाद से बचें, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, यात्रा का योग है। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य 81%। नौकरी में परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है, परिवार में प्रसन्नता आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग नारंगी, भाग्य 76%। मीन, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी, अचानक आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग नीला, भाग्य 65%। आज ही के दिन हुआ था राम लला का जन्म, इसलिए आज के दिन को रामनवमी कहते हैं। आज मैं धर्म आपको श्री रामचंद्र की कृपा पाने का उत्तम उपाय बताने जा रहा हूं, गौर से देखिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। मां सिद्धिदात्री के साथ करें प्रभु राम की उपासना। मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, राम कृपा से पूरी होगी आपकी हर मनोकामना। नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। क्योंकि आज रामनवमी है, राम लला के जन्म का पर्व, ज्योतिर्विदों की माने तो इस दिन श्री राम की उत्तम उपासना से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाई जा सकती है। माया पुनर्जाना,
आज के दिन राम नाम के जाप से कई गुना फल मिलता है। तो आइए जानते हैं कि इस नवमी कैसे करें श्री राम की उत्तम उपासना। मध्य दोपहर में श्री राम की उपासना करें, उन्हें पीले फल, पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। आज श्री राम को तुलसी दल भी जरूर अर्पित करें। इसके बाद ओम राम रामाय नमः का जाप करें। आज के दिन रामचरितमानस का पाठ करना उत्तम होगा। राम नाम की लीला ही अनोखी है। जो भी इस पवित्र नाम का जाप करता है, उसे संसार का कोई भी कष्ट परेशान नहीं करता। तो आप भी राम नाम का जाप कीजिए। प्रभु श्री राम की कृपा से जीवन की हर दिशा में विजय मिलेगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, जब तक ये संसार गतिमान है, मैं यूं ही आता रहूंगा और आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। तो आप प्रसन्न रहिए और धर्म यानी मेरी राह पर चलते रहिए। अलविदा। भ्रष्टाचार के खिलाफ ट्विटर जैसी सोशल साइट आम आदमी का हथियार बन गई। और ताजा मामला है रेलवे में भ्रष्टाचार का, जिसमें एक पुलिसकर्मी को घूस लेते हुए एक मुसाफिर ने शूट कर लिया और ये वीडियो रेल मंत्री सुरेश प्रभु को भेजा। Already in 2001 with Wikipedia, you remember Wikipedia? This was a silly idea from the beginning. So people are going to actually ordinary people are going to write encyclopedias. It's a stupid idea.